students, welcome to Economics Capsule by Swarna Bhushan. Today we are going to start with the problems of economy. The central problems of economy has got three questions: what to produce, how to produce, and for whom to produce. These are the major questions when you start a business too. हम अगर business start करना चाहते हैं तो हमारे आगे तीन questions होते हैं और economy के आगे भी तीन question होता है. क्या हम प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें. लेट्स गो इन डिटेल. सो दीज थ्री फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर वन. हियर वेयर वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स व्हिच इज वाइडली एक्सेप्टेड. उन्होंने ये कहा था दैट ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड and resources are scarce and there's a problem of allocation of resources. यहाँ allocation का मतलब होता है distribution of resources. कोई भी चीज़ें अगर चीज़ अगर कम होती है, suppose आप तीन भाई बहन हैं और कोई एक सामान आया या एक चॉकलेट आया, ठीक है, आप उन तीन भाई बहन में उस एक चॉकलेट को किस तरीके से distribute करेंगे so that each will have maximum satisfaction. That is allocation. So similarly, the resources are scarce. Human wants are unlimited. हमें सब कुछ चाहिए और इनको जब हम allocate करते हैं that we learn through economics. So why am I explaining this? Because central problems of economy depend on this concept only. What to produce? The first question will only be solved when we understand what are the resources around us and what is the desire for that resource and what are the desire for that product. अभी हमें जब पहला वाला जो question है वो हमें कैसे solve करना है, उनके factors किन किन चीज़ों किन किन कौन कौन से factors हैं जो ये variable करते हैं, ये decide करते हैं that what is what to produce. उसमें से आ गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिमांड, क्वांटिटी ऑफ दैट गुड, टाइप्स ऑफ गुड, यानी हम कौन से टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करें. टाइप्स ऑफ गुड का मतलब होता है कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है या प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस करना है. कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर और कस्टमर, जो कि डायरेक्टली हम दुकान से जाके खरीदते हैं. The producer goods are those goods which help in production. कोई मशीनरी हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, किसी तरीके का सामान हो गया जो हम अगले को प्रोसेस कर उसको प्रोसेस करके फिर कोई दूसरा सामान बना सकें, दैट इज़ प्रोड्यूसर्स गुड. तो कौन से टाइप का गुड प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में करना है? अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहिए या ज़्यादा क्वांटिटी होना चाहिए? डिमांड है या नहीं उस गुड का? फिर उससे रिलेटेड जो गुड है, सपोज़ कोई कार प्रोडक्शन है तो वो डिसाइड करेगा उसका प्राइस किस आधार पे, कि उससे रिलेटेड उस मॉडल से रिलेटेड दूसरा कार का प्राइस कितना है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट दिस डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. हियर आई हैव रिटन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैसिटी कम्स अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके अंदर में ही ये तीनों प्रॉब्लम आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हूम टू प्रोड्यूस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस को हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये एक चॉइस होता है वेदर यू वांट टू प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव गुड. अब ये दोनों क्या है? लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव आर द गुड्स इन विच दीज फैक्टर्स आर यूज्ड मोस्ट. जैसे लेबर इंटेंसिव गुड कोई है तो उसमें लेबर जो है ज़्यादा इस्तेमाल होगा और कैपिटल कम होगा, और कैपिटल इंटेंसिव गुड वो होता है जिसमें कैपिटल ज़्यादा यूज़ होगा और लेबर कम होगा. तो हम ऐसे चॉइसेस कब बनाते हैं? जैसे इंडिया है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए लेबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड दैट इज़ व्हाई वी मैक्सिमम वी यूज़ लेबर्स टू मेक आर प्रोडक्ट. तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे लेबर इंटेंसिव होते हैं.
The countries which are rich in capital, they make capital intensive goods. Why? Because they have got lots of capital, and that is why the price of capital is less. Similarly, in India, where labor is not a problem, and that is why they have got less price. Jo labor ke wages hote hain wo kam hote hain capital se, and that is why the producer choose to labor intensive commodities. Consumer goods or producer goods, मैंने आपको बताया था, उनमें भी दो तरीके के goods होते हैं, एक single use होता है और एक durable होता है. Consumer goods के अंदर में भी single use और durable होता है, और producer goods के अंदर भी single और durable होता है. इसका example हम आगे देखेंगे जब हम types of goods करेंगे. For whom to produce? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है. जब हम नया प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम ये तो सोचते ही हैं कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, पर हम ये भी सोचते हैं कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर होम वी आर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, इज इन विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वी वॉन्ट टू सेल आर प्रोडक्ट. सो इट कैन बी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट कैन बी मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इट कैन बी the richer section of the society. For example, Tata launched Nano for middle section society and lower middle section society so that everybody can avail this facility. Similarly, Jio was launched for the economically backward class people so that everybody can have phone, and that is the central problems of economy, which is what to produce, for whom to produce, and how to produce. I will request you people to take screenshots of these notes, because these notes are very helpful. My videos will help all the plus two students, plus the one who are preparing for government examination and UGC NET economics. Thanks for watching.